स्वयंवर बहुत अच्छा था, मीका पाजी का और क्रिस गेल का स्वयंवर रखा था हम लोगों ने, पर एज यूजुअल हम लोग कामयाब नहीं हुए। नहीं इनको करना है। इनफैक्ट आप सभी जानते हैं कि मैं कपिल पाजी का भाई भी हूँ और बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ इनके शो का और इनकी टाइमिंग का, और आज बहुत टाइम बाद मैं मिला हूँ, और बिकॉज मेरा गाना भी आया है, 3-4 गाने आए हैं, तो अगर गाने प्रमोट करने हैं तो बेस्ट शो यू हैव टू गो टू कपिल शर्मा शो। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। आप मतलब इतने जब सडनली पता चला कि मीका जाने वाले कपिल के शो में, तो थोड़ी सी मतलब नॉटिनेस आ गई कि मीका कैसे जा सकते हैं, क्योंकि जो हुआ है मतलब नहीं क्यों नहीं, देखो देखो शो चलते रहते हैं, टीवी शो लगे, लेकिन हमारा जो अपना रिलेशन है शुरू से वो तो पिछले 10 साल से, मेरा इनका दिलीप भाई जी से बहुत प्यार है, मेरा इनसे बहुत प्यार है, तो हम एक ही रोड पे, इनका ऑफिस है मेरा ऑफिस है, तो हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा। एंड इट्स गुड के दोनों शो चल रहे हैं, बाजी का शो नंबर 1 चल रहा है और मैं इस पे आया हूँ, इससे बड़ी बात क्या। थैंक यू भाई। यार जब तक लोग प्यार करते रहते हैं, बस अपना दिल से काम करते रहते हैं, एक छोटी सी इंटेंशन है कि लोगों के चेहरे पे स्माइल लाएं, बस वो ला रहे हैं, और क्या चाहिए। और ये जो एपिसोड आएगा बहुत ही कमाल का आने वाला, बिकॉज क्रिस गेल ने इतना धमाल मचाई है, कनिका ने इतना अच्छे गाने गाए हैं, मैंने खुद इतना इन्जॉय करा है। एंड थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू भाई, ऑलवेज।